सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। बच्चे कह रहे थे थोड़ा लंबा वीडियो बनाओ क्योंकि 2-3 दिन में एक वीडियो आ रहा था वेब डिजाइनिंग का, तो आज मैंने लंबा वीडियो बनाया है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दो चीजों की बात करेंगे। एक तो हम एक सिंपल लेआउट बनाना सीखेंगे। अब लेआउट क्या होता है अभी बताता हूँ, और साथ में हम CSS बॉक्स मॉडल सीखेंगे। वो क्या होता है वो भी मैं बाद में जब वीडियो चलेगा बीच में बता दूंगा, वो हमारा सेकंड टॉपिक होगा। तो ये यार, ये दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। और मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि आपको ये छोटे से छोटे इजिएस्ट वे में, कंज्यूमेबल वे में डाइजेस्ट हो जाए, उस फॉर्म में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक बहुत बड़े हैं यार, आप इन पे वैसे देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर आपको अब मैंने बहुत सिंपल वे में दिखाया है। तो आज हम कुछ ऐसा बना लेंगे, बाय द एंड हम कुछ ऐसा बना लेंगे। तो ये क्या है, ये लेआउट है एक, ठीक है। यहाँ पे आपको ये लेफ्ट में ब्लू वाला दिख रहा होगा, ठीक है। राइट साइड में हमारा ये गोल्डन आपको फालतू टेस्ट ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। ये पूरा वाइट स्पेस है, ठीक है। और नीचे हमारा ये स्किन कलर का, तो बेसिकली हमने 3 ब्लॉक बनाए हैं, 1 ब्लू वाला, 2 ये गोल्डन और नीचे ये वाइट, और तीसरा ये मतलब। तो ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। साथ में हम बॉर्डर्स कैसे असाइन करने हैं, मार्जिन्स कैसे दिखाना है, पैडिंग्स कैसे करनी है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यार हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वेबसाइट के लेआउट के लिए, और अगर लेआउट अच्छा होता है तो वेबसाइट हमें अट्रैक्टिव दिखती है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो लास्ट टाइम हमने जब अपना छोड़ा था तब हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती थी, ठीक है यार, कुछ ऐसी दिखती थी। ये हमारी लाइव प्रीव्यू विंडो है, लेफ्ट में आज हम कोड करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं यार, मैं सबसे पहले ये जो पूरा वेब पेज है, पूरा वेब पेज है, इसे एक क्लास के अंदर लूंगा, ठीक है। इसे एक नाम दूंगा, उसके बाद ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको एक नाम दूंगा, इस पार्ट को एक नाम दूंगा, और नीचे वाले पार्ट को एक नाम दूंगा, और उसके बाद में हम इनकी मार्जिन बॉर्डर वगैरह सब डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब सीधा कोडिंग वाले पार्ट पे आते हैं यार, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पूरे को सिलेक्ट करना है, ठीक है, हमारा एम ये है लास्ट में। तो हम सबसे पहले पूरे जो बॉडी के अंदर जितना भी है, ठीक है, उस सबको एक क्लास के अंदर लेंगे, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं यार इसको div क्लास, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स है यार, div डिवाइड के लिए स्टैंड करता है, इक्वल टू, और नाम आप कुछ भी दे सकते हो यार, मैं level 1 दे रहा हूँ, ठीक है। और एक बार जैसे ही हम बंद करेंगे तो इसका क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा अपने आप, पर क्लोजिंग टैग हम लगाएंगे लास्ट में क्योंकि हमें पहले में पूरे बॉडी के अंदर जो कुछ भी है सबको कवर करना है, ठीक है यार। तो पहले हम इसे असाइन अच्छे से कर देते हैं कि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। और हम इसका क्लोजिंग टैग यार यहाँ लगाएंगे नीचे, ठीक है, बॉडी से जस्ट पहले। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो अब आपको चीज़ें थोड़ी समझ आ रही होंगी। एक तो यार जब भी आप कोड करो ना तो थोड़ा ऐसे करा करो, जैसे हमारा HTML हो गया, ठीक है, ये हमें अलग से दिख रहा है, मतलब नीट है, ठीक है, मतलब HTML हमारा एक तरह से है फर्स्ट टाइप हो गया, फिर ये सेकंड टाइप की चीज़ें, बॉडी हमारी थोड़ी अंदर, फिर ये जो चीज़ मैंने लिखी है थोड़ी और अंदर, फिर हेडिंग वगैरह सारी थोड़ी और अंदर, ठीक है। ऐसे ये मार्जिन कोडिंग करते वक्त देते रहना क्योंकि फिर आप कुछ भी आप चेक करोगे कल को, ठीक है, तो वो आसान लगेगा, बजाय सब कुछ हौज पौज हो रखा हो, मतलब कि ये जो हेडिंग है, ठीक है, ये मान लो थोड़ी लेफ्ट में हो रखी होती है ऐसे, और तो वो चीज़ें थोड़ी नीट नहीं लगती। तो आपको उस हिसाब से थोड़ा सा कोड करते वक्त मार्जिन देते रहा करो, चीज़ें थोड़ी नीट लगेंगी, ठीक है। बाकी नहीं करोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा नीट लगता है। अब हम अपनी डिवीजन क्लास बनाएंगे यार इस ब्लू वाले पार्ट के लिए, जो ब्लू में आपको दिख रहा है। तो इसमें हमारी मेन हेडिंग H1 आती है, H2 आता है, हमारा पैराग्राफ 1 आता है, ठीक है, हमारी इमेज भी आ रही है, हमारा ये दूसरी हेडिंग जो H2 है वो भी आ रही है, और हमारा पैराग्राफ 2 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यार हम वही दोबारा वही करेंगे, ठीक है यार। तो सेम div क्लास इक्वल टू level 2, ठीक है, मैंने level 2 नाम दे दिया, और मैं बंद करूंगा तो इसका अपना आप क्लोजिंग आ गया। क्लोजिंग टैग मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मैं यहाँ से हटा के, और हमारा ये रहा, ठीक है, ये हमारा सेकेंड हेडिंग था, और मैं इधर दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमने क्लोजिंग टैग दे दिया, ठीक है। तो होपफुली यार आपको चीज़ें दिख रही होंगी, मैं थोड़ा बाकी और बड़ा कर दिया मैंने स्क्रीन, ठीक है यार, अब आपको चीज़ें दिख रही होंगी, बाकी मैं बोल रहा हूँ तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ट्राई करो यार कि ये जो वीडियो है उसे 1080 पिक्सल्स पे देखो। तो अभी अगर यार हम राइट साइड में देखेंगे तो हमें कुछ भी चेंजेस नहीं दिखेंगे। अब आप कहोगे यार हमें वो ब्लू कलर क्यों नहीं दिख रहा, अभी हमें कलर इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि अभी हमने कलर असाइन नहीं करे, अभी सबसे पहले हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद मैं कलर असाइन करूंगा। तो अब नेक्स्ट यार हमें ये जो मैंने ऊपर फालतू टेस्ट लिख रखा है इसके लिए लेआउट में हमें डिवीजन करना है, तो इसके लिए हमें एक अलग क्लास बनानी पड़ेगी। तो हम राइट साइड में बना देते हैं div क्लास इक्वल टू level
ये हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है यार, और इसका क्लोजिंग टैग यहीं आ गया। अब आप बोलोगे इसके बीच में क्या लिखें, इसका क्लोजिंग टैग यहीं रहने दें हम, मैं बोलूँगा हाँ यहीं रहने देते हैं, क्योंकि ये बस मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका नाम हम दे देंगे फालतू टेस्ट, ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया फालतू टेस्ट। ओके, अब हम अपनी फोर्थ डिवीजन बनाएंगे यार, ठीक है। अब ये जो हमारा स्किन वाला पार्ट है, जो नीचे आपको स्किन कलर में दिख रहा है, ठीक है, इसके लिए बनाएंगे। तो इसके लिए हमारी डिवीजन एक और क्लास बनानी पड़ेगी हमें, तो उसके लिए दोबारा वही DIV क्लास इक्वल टू, और इसका नाम हम दे देते हैं यार अनदर हेडिंग, ठीक है, क्योंकि इसकी हमारी हेडिंग थी वो थी अनदर हेडिंग, तो इस क्लास का नाम भी हम दे देते हैं अनदर हेडिंग, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो यार, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका करा क्लोजिंग टैग, इसका सामने आ गया, पर क्लोजिंग टैग हमें इसका यहाँ नहीं चाहिए, हट जा, ओके, ठीक है, तो इसका क्लोजिंग टैग हम यहाँ नीचे लगा देंगे, ठीक है, इसके पैराग्राफ के बाद में। तो साथ साथ में यार आप लोग सेव करते रहना, तो अगर भी मैक पे हो तो कमांड एस दबाते रहो, और विंडोज पे हो तो कंट्रोल एस बार बार दबाते रहना। तो यार ये जो हमने क्लासेस बनाई हैं, इनके अंदर अब हम एडिट करेंगे, ठीक है, कि इनका रंग क्या होना चाहिए, इनकी विड्थ क्या होनी चाहिए, वगैरह वगैरह सभी चीजें। तो जो हमारा Level 1 था, Level 1 क्लास हमारी किसके लिए थी, पूरे पेज के लिए थी, ठीक है। तो अब उसमें हम सबसे पहले यार कुछ आपको एडिट करके दिखाता हूँ। अब एडिट करने के लिए यार या तो आप makeover.css, जो हमारा CSS वाला पेज था, वहां पे जाके हम अलग से लिख सकते हैं, या फिर आप यहीं पे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, हम Level 1 को सेलेक्ट करेंगे और हम Command-E दबा देंगे, और अगर आप विंडोज पे हो तो आप Control-E दबा देना, तो हमारा ये खुल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो एडिट हो जाएगा। तो एडिट करने से पहले यार हम अपने प्रीव्यू स्क्रीन देखेंगे, तो वहां पे आप देखोगे जो हमारा वेब पेज है यार वो पूरा बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ मतलब पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है, लेफ्ट से राइट पूरा भरा हुआ है। तो सबसे पहले हम विड्थ को चेंज करेंगे यार, ठीक है, तो विड्थ, और उसके आगे हम ये लगाएंगे 1140 पिक्सल्स, ठीक है। अब जैसे ही आप ये करोगे कमांड एस दबाओ, राइट साइड में हम जैसे ही जाएंगे तो ये देखो, ठीक है, ये छोटा हो गया। अब जनरली कोई भी वेब पेज होता है तो वो इसी साइज का होता है यार, और लेफ्ट और राइट साइड में उसके मार्जिन होते हैं, मार्जिन मतलब ब्लैंक स्पेस होता है। तो अब हम मार्जिन को लाएंगे यार, ठीक है, तो मार्जिन लाने के लिए हम क्या करेंगे यार, सिंपल है, हम लिखेंगे मार्जिन और लेफ्ट, और इसमें लिख देंगे ऑटो, ठीक है। सिमिलरली हम लिखेंगे मार्जिन राइट ऑटो, ठीक है। अब ऑटो इसलिए कह रहा है यार क्योंकि हर ब्राउजर अब ऑटोमेटिकली एक लेफ्ट और राइट मार्जिन दे देगा, ठीक है, शायद राइट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, हाँ ठीक है, कमांड एस दबाएंगे। अब देखो दोनों साइड से लेफ्ट और राइट साइड में मार्जिन आ गया, ठीक है। तो हमारे वेब पेजेस ऐसे ही होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में हम ब्लैंक स्पेस देते हैं, तो कल को आप वहां पे एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हो, या आपके जो न्यू पोस्ट हैं या न्यू अराइवल हैं या जो भी न्यू न्यूज़ हैं, ठीक है, हॉट न्यूज़ हो गई आपकी, वो आप राइट साइड में बैनर वगैरह लगाते हो, लेफ्ट और राइट साइड में हम जनरली इसीलिए मार्जिन देते हैं। तो ये मार्जिन बनाना हमने सीख लिया। अब यहाँ पे आप चाहो तो ऑटो की जगह पिक्सल्स वगैरह भी यूज़ करोगे तब भी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, पर हम जनरली अभी ऑटो से सीखते हैं, बाकी जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे अपने तब मैं आपको और साथ में चीज़ें एक्स्ट्रा बताता रहूँगा। अब मैं चाहता हूँ यार कि ये जो मेरा फर्स्ट था ब्लू कलर, ये ब्लू कलर आ जाए, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट जो लेआउट में ये जो मेरी फर्स्ट डिवीजन थी इसका ब्लू कलर आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम मैं Level 2 को सेलेक्ट करूंगा और Command-E दबाऊंगा। अब मैं एडिट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए यार हम लिखते हैं बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और उसमें आप चाहे तो कुछ भी लिख सको, मैं एक्वा को चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आप हेक्साडेसिमल वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। कमांड एस दबाते हैं और राइट साइड में देखो हमारी ये प्रीव्यू स्क्रीन में ब्लू आ गया, ठीक है। तो ठीक है, चीज़ें सीख रहे हैं हम, चीज़ें सीख रहे हैं, ओके। तो अब आप चाहो तो यार यहाँ पे वो चीज़ भी कर सकते हो, चाहे #00000FF, ठीक है। तो ये हमने हेक्साडेसिमल नोटिफिकेशन दिया, तो यहाँ पे देखो ये कलर आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक्वा कलर आए, तो मैंने मेरे को एक्वा थोड़ा ज़्यादा पसंद है, उसका मेरे को हेक्साडेसिमल पता नहीं पर नाम पता है, तो मैंने ये यूज़ सीधा नाम यूज़ कर लिया, Command-S, और राइट साइड में देखो बढ़िया दिख रहा है। सिमिलरली हम बाकी क्लासेस के साथ भी करेंगे यार, तो मैं और थोड़ी बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ आपको दिख जाए, ठीक है यार। तो हम जैसे ही अब हमारा जो Level 3 क्लास है, ठीक है, इसमें भी हम यही करेंगे, इसको हम Command-E दबाएंगे तो हमारा ये खुल जाएगा, अभी हम इसमें एडिट कर सकते हैं। तो इसमें हम सेम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और इसमें हम लिख देते हैं गोल्ड, ठीक है, तो गोल्ड कलर हमने सेलेक्ट कर लिया, सेव करेंगे, राइट साइड में जाएंगे तो ये देखो फालतू जो टेस्ट था हमारा जो मैंने लिखा था वो अब गोल्डन कलर में शो हो रहा है,
ठीक है। सिमिलरली हम अपनी नेक्स्ट जो क्लास है उसके साथ करेंगे, वो है अनदर हेडिंग। तो हम अनदर हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करा, कमांड ई दबाया, और अब हम इसमें एडिट करेंगे। अब एडिट करने के लिए वही दोबारा, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हम कुछ दिखा देते हैं इसका। बैकग्राउंड कलर यार मैं आपको जानबूझ के इसलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आपको मैं थोड़ी देर में एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि CSS बॉक्स मॉडल है, जहाँ पे मैं आपको मार्जिन कैसे सेट करने हैं वो सब सिखाऊंगा। तो उसमें इसलिए आपको कलर दिखाना भी ज़रूरी है, आप समझ जाओगे, चिंता मत करो। ठीक है, तो इसमें हम एंटीक वाइट यूज़ कर लेते हैं यार। ठीक है, तो हमने एंटीक वाइट यूज़ किया, सेव करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, तो ये देखो सेम हमारा बन गया। ठीक है, चीज़ थोड़ी थोड़ी हमें समझ में आने लग गई है। अब हमारा नेक्स्ट गोल क्या था? नेक्स्ट गोल हमारा था कि ये जो हमारा फालतू टेस्ट वाली जो डिवीजन है, ठीक है, ये हमारी राइट साइड में ऊपर चली जाए। ठीक है, ये हमारी राइट साइड में ऊपर चली जाए और इसके नीचे ये ब्लैंक स्पेस हो और हमारा नीचे ये ऐसे हो। ठीक, तो सेम अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको चीज़ें धीरे धीरे बता देता हूँ। तो अब हम यार हम अपने लेवल 2 वाले एडिट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, विड्थ को असाइन करेंगे। ठीक है, विड्थ 75% दे देते हैं, चलो ठीक है, 75% दे दिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करो यार, यहाँ पे मैं विड्थ 75% से असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और ऊपर मैंने विड्थ 1 ये पिक्सल्स की फॉर्म में असाइन करी है। ठीक है, तो 75% यार मतलब ये है कि ये जो 1140 पिक्सल्स हैं इसमें से ये जो जो विड्थ है, ठीक है, मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ है तो उसमें से अब 7.5 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो लेवल 2 की क्लास के लिए यूज़ होगी। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो जैसे ही अब मैं इस चीज़ को सेव करूंगा तो अब देखो यार कैसे दिख रहा है, जो हमारी ब्लू वाली स्क्रीन थी, ठीक है, जो हमारा ब्लू वाला लेआउट था वो 75% में हो गया। देखो नीचे जो फालतू टेस्ट है वो पूरा 100% ऑक्यूपाई कर रहा है, पर जो हमारी ब्लू स्क्रीन है वो सिर्फ 75% ऑक्यूपाई कर रही है विड्थ में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बची हुई 25% का, बची हुई 25% हम यहाँ दे देंगे, विड्थ 25%। ठीक है, तो जैसे ही ये करेंगे, सेव करेंगे, राइट साइड में हम मूव करेंगे तो देखेंगे फालतू टेस्ट भी अब छोटा हो गया। ठीक है, तो फालतू टेस्ट इज नाउ ऑक्यूपाइंग ओनली 25%, ब्लू वाला हमारा 75% और नीचे वाला हमारा 100% ऑक्यूपाई कर रहा है। पर हमारा गोल क्या था? हमारा गोल तो ये था कि जो फालतू टेस्ट का 25% है ये वाली जगह, ये ब्लू वाले लेआउट के राइट साइड में आ जाए, यहाँ पर आ जाए। ठीक है, इस साइड में आ जाए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं यार, और उस प्रॉपर्टी का नाम है यार फ्लोट। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो हम सबसे पहले अपने लेवल 2 वाले एडिट में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट। ठीक है, फ्लोट और लेफ्ट। ठीक है, और सिमिलरली मैं अपने लेवल 3 वाले में भी जाऊंगा और वहां पे मैं लिख दूंगा फ्लोट लेफ्ट। अब फ्लोट का काम बेसिकली ये होता है यार कि मान लो कि हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर जो क्लास है या लेआउट है उसके साइड में कोई चीज़ आ जाए, ठीक है, उसके लेफ्ट राइट आजू बाजू में कोई चीज़ आ जाए, तो उसके लिए हम फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसका आउटपुट देखो, हम सेव करेंगे, हम राइट साइड में जाएंगे, तो ये देखो हमारा लेफ्ट में ब्लू वाला आ गया और राइट साइड में हमारा फालतू टेस्ट आ गया। ठीक है, तो हमारा मिशन पूरा हो गया, पर एक चीज़ गलत हो गई। चीज़ गलत क्या हो गई? हम चाहते कि थे कि ये जो दिस इज़ अनदर हेडिंग है, जो स्किन कलर वाली चीज़ है, वो तो नीचे ही रहे, राइट साइड में सिर्फ फालतू टेस्ट है, ठीक है, और उसके नीचे हमारा वाइट स्पेस हो, बट ये हमारा दिस इज़ अनदर हेडिंग भी साथ साथ में शिफ्ट हो गया। तो अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे वो सीखते हैं। तो आप कन्फ्यूज ना हो उसके लिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा प्रीव्यू ऐसा दिख रहा है और हमारा गोल है कि हम अपने प्रीव्यू को कुछ ऐसे करें, ठीक है, ये वाइट स्पेस हो यहाँ पे और नीचे हमारा आ जाए वो स्किन कलर वाला, समझ रहे हो? तो इसके लिए हम क्या करते हैं यार, टेंशन नहीं लेनी है, इसके लिए हम एक चीज़ लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने यार CSS पेज में जाएंगे, ठीक है, makeover.css जो हमने बनाया था, और यहाँ पे मैं अब एक कोड लिखने वाला हूँ। ठीक है, और जो मैं लिखूंगा उसको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, अभी के लिए आप बस समझो, ठीक है, अभी समझना ज़रूरी है, बाकी हम धीरे धीरे जैसे काम करेंगे आई विल मेक श्योर आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, इसका हम आगे भी इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, कंटेंट, उसके बाद डिस्प्ले टेबल क्लियर बोथ। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या लिख दिया यार भैया, ये टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ठीक है, अब अपने HTML पेज पे वापस आएंगे हम। अब क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, और वो क्लास हम अपने लेवल 3 और अनदर हेडिंग के बीच में देंगे। ठीक है, लेवल 3 और अनदर हेडिंग के बीच में मतलब यहाँ पे, और हम लिखेंगे डेव क्लास इक्वल टू क्लियर फिक्स। ठीक है, क्लियर फिक्स जो हमने वहाँ पीछे नाम दिया था। ठीक है,
क्लियर फिक्स और बंद कर देंगे। तो ये करने से यार हमें क्या मिलेगा, हम जैसे ही प्रीव्यू साइड में आएंगे तो अब आप देखोगे राइट साइड में हमारी वाइट स्क्रीन आ गई है, ठीक है, मतलब वाइट स्पेस आ गया है, ठीक है। तो यही हमारा गोल था, ठीक है। अब इसके बीच में हो सकता है आपको थोड़ा सा कोड ना समझ में आए, बट टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। आने वाले वीडियोज में इस चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बड़ा डाइजेस्टेबल फॉर्म में है, तो अभी आप बस मेरे साथ साथ चलते रहो, ठीक है। जैसे जैसे टाइम आएगा, जहां उसका यूज हो रहा होगा उस टाइम मैं आपको वो चीज समझा दूंगा। साथ में यार आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करते रहो। एक्सपेरिमेंट मतलब आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट लिखा है, तो आप अपने घर में अब बैठ के ट्राई करो कि यहाँ पे फ्लोट राइट लिखूंगा तो क्या होगा, ठीक है, ऊपर मैं फ्लोट राइट लिखूंगा तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें घर पे बैठ के आपको एक्सपेरिमेंट करनी है, ठीक है, ये करोगे तभी ज्यादा सीखोगे। और कभी कभी हो सकता है यार आप सेम कोड लिखो जो मैंने लिख रखा है और आपका लाइव प्रीव्यू ना आ पाए, तो उसमें कुछ नहीं करना, कभी कभी लैग आ जाता है इसमें, तो कमांड एस बार बार सेव करो और बार बार अपने लाइव प्रीव्यू को ओपन करो, ठीक है। ये जो हमारा राइट साइड में ओपन है इसको पहले क्लोज करो फिर दोबारा दबाओ, तो ऐसे बार बार करोगे तो फिर आपका आ जाएगा, कभी कभी अटक जाता है वो, ठीक है। अब हमारा यार लाइव प्रीव्यू में आप देखो, ये जो हमारा ब्लू वाली स्क्रीन है, ठीक है, जो हमारा ब्लू वाला लेआउट है, ठीक है, इसमें हमारा जो टेक्स्ट है वो एकदम चिपका हुआ है बॉर्डर से, ठीक है, हमारा जो ब्लू और व्हाइट वाला जो बॉर्डर है इसके बीच में टेक्स्ट एकदम चिपका हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा गैप होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फाइनल स्क्रीन है उसमें ये देखो मैंने राइट साइड में थोड़ा ये गैप दे रखा है, इस गैप की मैं बात कर रहा हूँ, इस गैप को पैडिंग बोलते हैं, ठीक है यार, इस गैप को हम पैडिंग बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा, अभी आपको पैडिंग समझ नहीं आ रहा तो 2 मिनट में मैं वो चीज समझाने वाला हूँ, अभी साथ साथ चलो मेरे। इस गैप को लाने के लिए यार हम अपने कोड में एडिट करते हैं और हम ये लिखते हैं, ठीक है, तो हम लेवल 2 वाले में अपने आएंगे और हम लिखेंगे पैडिंग, ठीक है, हमें राइट साइड में चाहिए तो हम लिख देंगे राइट, और हमें जितनी भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे 30 PX चाहिए, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया और सेव करेंगे और हम राइट साइड में आएंगे। राइट साइड में हम जैसे आएंगे हम देखेंगे कि गैप तो आ गया, पैडिंग आ गई, ठीक है, अब वो बॉर्डर से चिपक के नहीं आ रहा टेक्स्ट, पर हमने एक चीज़ और नोटिस करी कि जो हमारा फालतू टेस्ट है वो नीचे भाग गया, ठीक है, हम ये तो चाहते ही नहीं थे, हमारा फालतू टेस्ट नीचे भाग गया। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई है ये चीज़ समझो, क्योंकि यहाँ पे हमारे फंडे छुपे हुए हैं, ये चीज़ समझो। अब हमने शुरुआत में ब्लू वाली स्क्रीन को 75% स्क्रीन दी थी, फालतू टेस्ट को हमने 25% स्क्रीन दी थी, ठीक है, पर अब जैसे ही हमने ये पैडिंग ऐड करी तो ये चीज़ 75% से ज़्यादा हो गई, ठीक है, जैसे ही 75% से ज़्यादा हुई तो राइट साइड में 25% से कम जगह बची और फालतू टेस्ट वापस नीचे भाग गया, उसने कहा तुम मुझे अच्छा इंसाफ नहीं कर रहे हो, मेरे साथ जगह नहीं दे रहे हो, मैं जा रहा हूँ वापस, तो वो वापस भाग गया। अब मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें करके दिखाऊंगा जस्ट इसलिए जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 70% कर दूँ, ठीक है, 70% कर दूं और सेव कर दूं और राइट साइड में आएंगे तो हम देखेंगे फालतू टेस्ट वापस आ गया, वो कह रहा है चलो अब ठीक है, अब मेरे को तुम रिस्पेक्ट दे रहे हो, जगह दे रहे हो तो मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है, हमने 70% किया तो वो वापस आ गया। पर यार ये हम नहीं चाहते, हम तो चाहते थे कि यार नहीं हमारा तो 75% का 75% ही रहे और हमारा 30 पिक्सल्स वो भी आ जाए। अब ये चीज़ करने के लिए अब हम आएंगे, एक नए फंडा सिखाऊंगा आपको, वो है CSS बॉक्स मॉडल, ठीक है। अब आओ यार अब थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं हम पहले। तो जब भी यार हम वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो उसमें 2 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के एलिमेंट्स, मतलब एक तो होते हैं हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली वो होते हैं जो कि पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं हमारी वेब पेज की, जैसे हमारा हेडिंग हो गया, ठीक है, हमारे पैराग्राफ्स हो गए या फिर हमारी हेडिंग्स हो गई फिर से, ठीक है, तो इनको हम ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि ये हमारी पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं। ग्रीन बॉर्डर को देखो, ठीक है, अगर आपको इससे फील नहीं आ रही तो इसको देखो, ये आपने कई बार देखा होगा यार, जब भी हम H1 H2 या पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखो पूरा बॉर्डर आ रहा है, पूरे बॉर्डर्स अंडरलाइन हो रहे हैं, हमारी पूरी विड्थ ऑक्यूपाई हो रही है। अब जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं यार, हम इनकी हाइट विड्थ मार्जिन वगैरह ये सब एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, पर जो हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स हो गए जैसे कि हमारी कोई इमेज हो गई, ठीक है, जैसे कि हमारी ये CSS वाली इमेज थी, या फिर हमने कोई हाइपरलिंक दी थी जैसे सीधा जेंटलमैन वाली, या फिर हमने किसी चीज़ को अंडरलाइन किया था या किसी चीज़ को बोल्ड किया था, उनको हम इनलाइन एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि हमारी पूरी विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करते हैं हमारे उस पेज की, हमारे वेब पेज की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, और इनकी हम हाइट और विड्थ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 2 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो यार अब इसको देखो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे अपना एक कॉन्सेप्ट किया जो कि बुक्स में थोड़ा बहुत गंदा है, ठीक है, मतलब हमें इतना इजीली समझ नहीं आता, यहाँ पे आप 1 मिनट में इस चीज़ को समझ जाओगे। अब इसको देखो यार, यहाँ पे मैंने 3 तरह से, एक तरह से लेयर बनाई है, जो अंदर वाली येलो वाली लेयर है ये है कॉन्टेंट, कॉन्टेंट मतलब यहाँ पे टेक्स्ट भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, हेडिंग भी हो सकती है, पैराग्राफ कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
इसको हमने कंटेंट बताया है। इस कंटेंट की अपनी एक विड्थ होती है, इस कंटेंट की अपनी एक हाइट होती है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में होता है पैडिंग, ठीक है। पैडिंग क्या होता है? पैडिंग बेसिकली ये होती है, जैसे हमारी ये वाली स्क्रीन थी, ठीक है। तो ये जो हमने पैडिंग दी थी 30 पिक्सल्स की राइट साइड में, ठीक है, पहले हमारा ये जो टेक्स्ट है वो चिपका हुआ था इससे, पर अब हमने पैडिंग दे दी, तो हमारा जो ये लिखा हुआ टेक्स्ट है, ठीक है, ये तो हमारा कंटेंट हो गया, पर इसके सराउंडिंग ये जो ब्लू ब्लू चीज़ जितनी भी है ना, इसको हम पैडिंग बोलते हैं। जैसे राइट साइड में हमने ये जो पैडिंग दी है, ठीक है, सिमिलरली हम ऊपर भी ये पैडिंग दे सकते हैं, हम लेफ्ट में भी ये पैडिंग दे सकते हैं, हम बॉटम में भी ये पैडिंग दे सकते हैं, तो इसको हम पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। और मार्जिन क्या है? ये मैंने ब्लू कलर पैडिंग का जानबूझ के इसलिए दिया था ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो ये साथ साथ में देखते रहो। और ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन होता है स्पेसेस बिटवीन द बॉक्सेस। बिटवीन द बॉक्सेस मतलब कि जैसे हमें लेफ्ट साइड में ये मार्जिन दिख रहा है, ठीक है, ये हमें राइट साइड में मार्जिन दिख रहा है, ठीक है, या फिर जैसे ये जो हमारा ब्लू वाला बॉक्स है और ये जो हमारा गोल्डन वाला बॉक्स है फालतू टेस्ट, इसके बीच में अभी बीच में मार्जिन हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मार्जिन हमारा जीरो है, तो ये मार्जिन होता है। तो ये हमारा ब्लू वाला डब्बा हो गया, बॉक्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमारा कंटेंट होता है, ये ब्लू वाली अंदर हमारी पैडिंग हो गई इसके कंटेंट के सारे सराउंडिंग में, ठीक है। उसके बाहर हमारा ये वाइट वाली सीट जो भी है, ये मार्जिन होता है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम इन चीज़ों को कम ज़्यादा करने वाले हैं। और जो बॉर्डर होता है यार, वो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। ये बॉर्डर हमारा यहाँ तक आ रहा है ब्लू वाले तक, ठीक है। एक्चुअली वो ब्लू बॉर्डर की लाइन भी मैंने वाइट करी और पीछे की वाइट है, इसलिए वो दिख नहीं रहा, पर ये जो बॉर्डर है ये हमारा, माउस को फॉलो करो, ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये जो ब्लू वाला है पूरा, ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है, ये हमारा बॉर्डर होता है। अब हुआ क्या है, अब मैंने आपको ये इतनी सारी चीजें क्यों बताई? इतनी सारी चीजें इसलिए बताई यार, क्योंकि अभी हम आपको, अब मैंने यार आपको ये इतनी सारी चीजें इसलिए बताई हैं क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे ही मैं यहां पे पैडिंग राइट दे रहा था 30 पिक्सल्स, तो हो क्या रहा था, जो हमारी 75% विड्थ थी उसके एडिशनली वो 30 पिक्सल्स लग रहा था, ठीक है, उसके एडिशनली वो 30 पिक्सल्स लग रहा था। बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पैडिंग है 30 पिक्सल्स की, वो जो हमने ऑलरेडी जगह असाइन कर रखी है 75%, उसके अंदर ही हो जाए, जिससे कि हमारा जो नीचे फालतू टेस्ट वाली चीज़ है वो नीचे ना भागे, वो राइट साइड में ही हमारी पड़ी रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यार, अभी आप यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे कॉन्टेंट की एक विड्थ और हाइट होती है, और अब नीचे देखो, अब यहाँ देखो यार, यहाँ पे हमारे कंटेंट की विड्थ होती है और कंटेंट की ही हाइट होती है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरा पैडिंग के साथ हो उसकी एक विड्थ हो और उसकी हाइट हो। मतलब अगर हम विड्थ और हाइट को चेंज करें तो पैडिंग के समेत वो कम ज़्यादा हो, ठीक है, और ऊपर हमारे हो। तो इसलिए हम प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं यार कि हमारे कंटेंट की तो अपनी ये विड्थ और अपनी हाइट है, पर जब हम पैडिंग अप्लाई कर रहे हैं तो वो इस कंटेंट जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसके एडिशनली लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं यार, हम पैडिंग के समेत हाइट और विड्थ लेते हैं, ठीक है, कि जो हमारी विड्थ और जो हाइट होगी वो पैडिंग को इंक्लूड करके होगी। अब उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कोड में अपने, और उसको हम बोलते हैं यार बॉक्स साइजिंग, ठीक है। तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, चीज़ों को बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ मैं आपको। तो हम क्या करेंगे, अपने CSS वाले पेज पे आ जाएंगे, makeover.css, और हम जो भी अब क्या करना चाहते हैं, हम जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो हम चाहते हैं कि पूरे कॉन्टेंट पे हो। तो जब भी आप कोई चेंज पूरे कॉन्टेंट पे करना चाहते हो तो हम क्या एस्ट्रिक यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो पूरे कॉन्टेंट पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ हम जो प्रॉपर्टी अभी यूज़ करने वाले हैं वो है बॉक्स साइजिंग, ठीक है, बॉक्स साइजिंग, और इसको हम बॉर्डर बॉक्स के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही ये चीज़ करेंगे यार, तो अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। कैसे? अभी देखो, ठीक है, तो हम अपने यहाँ पे आ गए, हमने विड्थ भी 75% दे रखी है, हमने एक्स्ट्रा पैडिंग भी लगा रखी है 30 पिक्सल्स की, पर हम जब राइट साइड में आएंगे तो देखो दोनों खुश हैं, फालतू टेस्ट को भी जगह मिल रखी है अपनी, वो भी खुश है कि उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल रही है, हमारा ब्लू वाला है उसमें भी हमें प्रॉपर पैडिंग भी मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, तो इसलिए हम बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं।
इससे हमारा क्या होता है, वापस समझा देता हूँ। पहले हमारी कंटेंट की विड्थ और हाइट चेंज हो रही थी और उसके ऊपर हम पैडिंग लगा रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब हमारे पूरे पैडिंग के समेत विड्थ और हाइट चेंज हो रही है। ठीक है यार, तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब दोबारा makeover.css में जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखाना बताना चाहता हूँ कि आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट, यार डिफ़ॉल्ट वैसे तो हर वेब ब्राउजर्स में कुछ मार्जिन सेट होते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउजर में कुछ मार्जिन सेट होते हैं, मतलब कि जैसे कि हम पहले काम कर रहे थे तो ये देखो ऑलरेडी कुछ मार्जिन सेट हैं, मतलब दो बॉक्सेज हैं या दो भी हमारे कोई भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कुछ मार्जिन डिफ़ॉल्ट ब्राउजर में ऑलरेडी सेट होता है। बट आप चाहो तो अपना खुद का डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो मार्जिन और ज़ीरो सेट कर दो उसको, ठीक है यार, तो हमारे सारे मार्जिन हट जाएंगे, ठीक है। या फिर जो भी हमारी पैडिंग है आप उनको चाहो तो ज़ीरो सेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यार एक्सपेरिमेंट करके देना, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप धीरे धीरे खुद चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहो तो उससे चीज़ें याद भी होंगी और आपकी प्रैक्टिस भी इम्प्रूव होगी, ठीक है यार। तो अब जब हम ऐसे कर देते हैं तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है। इससे अभी आपको राइट साइड में कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं दिखेंगे, ठीक है। क्यों क्यों चेंजेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि यार हमने ऑलरेडी अपना यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर रखा है, मार्जिन राइट ऑटो कर रखा है। पर अगर हम ये दोनों चीज़ें हटा देंगे, ठीक है, या फिर सारी चीज़ें आप हटा दोगे और आपका सिर्फ डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ रहेंगी, तो आपके कोई भी मार्जिन्स या पैडिंग्स नहीं होंगे। आपके जितने भी हमारे हमने ये जो लेआउट्स वगैरह बनाए हैं, ये जितने भी हमने लेआउट्स वगैरह बनाए हैं, ये सब चिपक चिपक के आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये एडिशनल फीचर है, मैंने आपको बता दिया। अब फॉर एग्जाम्पल यार आप चाहते हो कि ऊपर से हमारी थोड़ी जगह बचनी चाहिए, हम नहीं चाहते कि ये जो हमारा वेब पेज है वो ऊपर से ब्लू कलर स्टार्ट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ऊपर भी एक छोटा सा मार्जिन हो, वाइट स्पेस हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यार, तो उसके लिए यार हम मार्जिन ऐड कर देंगे। अब मार्जिन हम ऐड कहाँ करेंगे, हम लेवल वन में ऐड करेंगे यार, ठीक है, क्योंकि लेवल वन में हमारी सारी चीज़ें आती है। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अकेला ब्लू वाले के ऊपर नहीं, गोल्डन वाले के ऊपर भी, पूरे वेब पेज के ऊपर एक मार्जिन आए। तो हम अपने मेन जो सबसे बड़ी क्लास थी लेवल वन, इसके ऊपर आएंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे मार्जिन टॉप और कुछ भी दे दो, जैसे 30 पिक्सल्स दे दिया हमने, ठीक है। तो अब सेव करेंगे इसे, तो अब ऊपर देखो यार थोड़ा ये नीट दिख रहा है। मान लो यार मैं एक बॉर्डर बनाना चाहता हूँ, बॉर्डर कहाँ पे, ये जो हमारा ब्लू वाला लेआउट है और जो हमारा स्किन कलर वाला लेआउट है, इसके बीच में मैं एक लाइन बनाना चाहता हूँ। तो कुछ नहीं करना, सिंपल है, हम अपना आएंगे और अनदर वाला जो हमारी क्लास है उसको एडिट करेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर कहाँ चाहिए मुझे, टॉप पर चाहिए, अनदर क्लास वाले के टॉप पे, ठीक है। बॉर्डर कहाँ पर चाहिए, टॉप पर चाहिए, ठीक है। तो वो जो हमारी पर्टिकुलर क्लास है, ठीक है, ये जो हमारी येलो वाली क्लास है, अब इसके टॉप पर हमारा बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। और हम अब आगे लिख देंगे बॉर्डर की हमें विड्थ भी बतानी पड़ेगी, तो जैसे हमें 1 पिक्सल, ठीक है, और आगे सॉलिड, ठीक है। तो सेव करेंगे, राइट साइड में आप देखो ये देखो काली सी आ गई, ठीक है, ये हमारी लाइन आ गई, ये हमारा बॉर्डर बन गया, ठीक है। तो अब आपको बॉर्डर ऐड करना भी आ गया, अगर आप उसको चाहते हो कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो, विजिबल हो, सॉलिड हो, तो अब आपको वो भी आ, ठीक है। अब मान लो कि आपको थोड़ा मार्जिन स्पेस भी देना है, आप चाहते हो कि ये जो हमारा ब्लू है लेआउट और जो नीचे स्क्रीन कलर वाला लेआउट है, इनके बीच में थोड़ा सा मार्जिन हो, तो आप वो भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना, वही सेम चीज़ जो ऊपर सिखाई थी, मार्जिन टॉप और आप कुछ भी दे दो, मान लो कि आपको 20 पिक्सल्स देना है, ठीक है। सेव करेंगे आप और अब यहाँ पे आप देखो ये स्पेस आ गई है, ठीक है, ये स्पेस आ गई है, ठीक है यार। तो ऐसे हमें मार्जिन से ऐड करने हैं, बॉर्डर से ऐड करने हैं, लेआउट हम अपना इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको स्किल्स बताई हैं, इनके साथ थोड़ा खेलो, ठीक है, और अभी तो कुछ और चीज़ें भी बतानी बाकी हैं, ठीक है, अभी पहले सुन लो, बाद में खेलना। अब यार यहाँ पे जैसे एक चीज़ आप देखो, ठीक है, ये जो हमारा लेवल वन वाला था, जो हमारी सबसे बड़ी क्लास थी जिसमें पूरी बॉडी आ रही थी, इसमें मैंने दिखा था मार्जिन लेफ्ट इक्वल टू ऑटो, मार्जिन राइट इक्वल टू ऑटो, मार्जिन टॉप इक्वल टू 30 पिक्सल्स। अब इतना 3 बार लिखने की जगह या 4 बार लिखने के लिए जगह, हम हर मार्जिन के लिए अलग अलग लाइन लिखे, हमारे पास एक शॉर्टकट है। और वो शॉर्टकट क्या है यार, वो शॉर्टकट ये है कि आप सीधा ये लिख सकते हो मार्जिन, ठीक है, और टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है, ये हमारा सिंटैक्स है, क्लॉकवाइज चलते हैं, ऊपर से शुरू होते हैं, राइट में जाते हैं, फिर बॉटम जाते हैं, फिर लेफ्ट। अब जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं हम वो यहाँ पे लिख देंगे, टॉप की जगह हम लिख देंगे 30 पिक्सल्स, सॉरी पिक्सल्स, राइट की जगह हम लिख देंगे ऑटो, ठीक है, सॉरी, और
बॉटम में भी हम क्या लिखेंगे? बॉटम में हमारे कुछ है ही नहीं तो हम जीरो लिख देंगे। लेफ्ट में हमारा ऑटो, ठीक है। तो अब ये सेम ही चीज़ है, मैं इसको हटा भी दूंगा, ठीक है, हटा दिया, तब भी हमारी चीज़ सेम ही रहेगी। तो इसके साथ यार आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस में हम और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अभी हमें अपना मेन प्रोजेक्ट भी बनाना है। अब कुछ बच्चे यार बोल रहे थे कि जब मैंने HTML सिर्फ 3-4 लेक्चर में फिनिश कर दिया था, ठीक है, वो फिनिश नहीं किया था वैसे मैंने, पर मैंने एक तरह से आपको ऊपर का बेसिक बता दिया था। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे यार HTML तो बाकी जो टीचर्स हैं वो 30-40 लेक्चर्स में बताते हैं, आपने सिर्फ इतने में कैसे बता दिया। बाकियों को हो सकता है यार 100 दिन लगे, 150 दिन लगे, पर मैं इस कोर्स में आपको वही चीज़ डाइजेस्टेबल फॉर्म में, ईजिएस्ट फॉर्म में, कम से कम टाइम लगे, प्रैक्टिकली जो उसका यूज़ है उसके साथ सिखा रहा हूँ। तो हमें उतना टाइम नहीं लगेगा, हम जल्दी सीखेंगे, और वही इस कोर्स की अच्छी बात है, ठीक है। वो चीज़ आपको सिंपली जल्दी मिल जाए, ठीक है, आप भी बोर ना हो। तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से उस चीज़ को जितना श्रिंक कर सकूं, और ये ध्यान में रखूं कि कंटेंट हमारा सेक्रीफाइस ना हो, कंटेंट हमें उतनी मिली, नॉलेज हमें उतनी मिली, नॉलेज सेक्रीफाइस ना हो, बट चीज़ हमें जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो फेथ रखो यार, कोई चीज़ आपकी छोड़ूंगा नहीं, सारी चीज़ आप सीख के जाओगे यहाँ से, ठीक है। और धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, अभी हमारा 20% कोर्स भी नहीं हुआ है, टू बी ऑनेस्ट, अभी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो साथ में यार आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं हर दिन वहाँ पे 3-4 बच्चों से वीडियो चैट करता हूँ पर्सनली, इंडिविजुअली, और कोई डाउट है तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो यार तो उस लाइक बटन को दबाना, उससे मुझे अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि मैंने आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और मैं थोड़ा ठीक पढ़ा रहा हूँ।